हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की टिप बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ रहा था और एक कमेंट में लिखा था कि हर साइज़ के अकॉर्डिंग आप बताएं कि किस में कितना ब्रॉड रखें। देखिए दोस्तों, वैसे तो ब्रॉड अपनी अपनी पसंद होती है, किसी किसी की कि कोई कहता है कि 7 इंच ब्रॉड बनाओ, कोई कहता है 6 इंच ब्रॉड बनाओ। लेकिन दोस्तों, अगर कोई कुछ बता के नहीं जाता तो आपको आइडिया कैसे होगा कि सामने साइज़ के अनुसार आप किस तरीके से जो है ब्रॉडनेस रखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि ब्रॉड कहते किसको है। तो देखिए, इसके लिए हमने एक बुकरम ली है। इस बुकरम को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये फोल्ड करने के बाद गला कटिंग करते हैं। तो ये मैं ब्रॉड बता रहा हूँ आपको गले की। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से निशान लगा लेने, ठीक है। निशान लगाने के बाद आपको एक निशान यहाँ पर लगाना है, फिर आपको इस तरीके से अब जो रखेंगे दोस्तों, इसको हम कहते हैं ब्रॉडनेस। तो यहाँ पे मैं 6 इंच का गला ब्रॉड कटिंग कर रहा हूँ, तो 6 का आधा 3, क्योंकि अभी हमारी जो बुकरम है डबल में फोल्ड है, तो हम यहाँ पर 6 का आधा 3 इस तरीके से रखना है। इंची टेप का 3 पे आपको निशान लगा लेना है, ऐसे नीचे आपको निशान लगा लेना है, और इसको इस तरीके से सीधा दोस्तों आप यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको ऐसे तिरछे में गला नापना है। गले का डेप मान लीजिए आपका 7.5 है, तो 8 इंच आप इसको ऐसे रख लेंगे। गोल गले का मैं यहाँ पे निशान लगा लेता हूँ, और उसके बाद दोस्तों मैं गला कटिंग करता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ से साइड में जितना भी गला हमें चाहिए होता है, तो गला चाहिए होता है तकरीबन 1.25 इंच के आसपास। 1.25 इंच के आसपास आपको एक्स्ट्रा लेके इस तरीके से गोलाई में कटिंग करना है। और यहाँ पे इस तरीके से मिला देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा गला कट चुका। अब मैं आपको जो चीज़ समझाऊंगा, इसे ध्यान से देखें और इसे समझें। तो दोस्तों, ये देखिए, जब आप इसे इस तरीके से नापेंगे तो गला हमारा कितना था, 6 इंच ब्रॉड। इसको दोस्तों कहते हैं ब्रॉड, यानी कि गले की फैलावट, ठीक है। तो ये रखा जाता है बस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जिसकी बस्ट जैसी होती है उसके हिसाब से ब्रॉडनेस रखी जाती है। डीप कस्टमर की चॉइस होती है। अब देखिए, मैं इसमें आपको जो समझाने वाला हूँ उस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिए। तो ये जो आपकी ब्रॉडनेस है, तो ये किस साइज़ में कितनी रखनी पड़ती है, वो चीज़ आप ध्यान से देखिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अभी कटिंग करा था, ये नेक कटिंग करा था इस तरीके से 3 इंच लेके, तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे फार्मूले लिखे हैं, आप इसे नोट कर लें। तो 31 से 34 साइज़ तक, ठीक है। मैं अभी आपको समझाऊंगा ये 34 कौन सा साइज़ है, तो पहले आप ये समझ लो और ना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। जैसे कि आप अपना नाप लेते हो बस्ट का, कोई भी नाप लेते हो, मान लीजिए आपने नाप ले लिया यहाँ पर 32, और इसमें आप चाहे +1 करो चाहे +3 करो, वो चीज़ इसमें नहीं बता रहा मैं यहाँ 3 प्लस करने के बाद बराबर करता हूँ, तो ये आता 35 साइज़ हमारा जो तैयार होगा। तो दोस्तों, 35 में हमारा ये ब्रॉड आएगा 5.5 इंच, यानी कि लूजिंग देने के बाद जो बस्ट तैयार होती है तो उसमें आपको ये ब्रॉडनेस रखना है। तो देखिए दोस्तों, ये भी जितना नाप है, ये सारा लूजिंग देने के बाद नाप है, चाहे आप 1 इंच प्लस करें चाहे आप 3 इंच प्लस करें। तो आप ध्यान से देख के इसे नोट कर लें, 31 से 34 साइज तक आप 5 इंच या 5.25 इंच तक का ब्रॉड रख सकते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर 3 रखा था, ठीक है। आपको 5 का आधा यानी कि 2.5 इंच इस तरीके से ब्रॉड रखना पड़ेगा। ये है इसका तरीका। उसके बाद 35 से 40 साइज में आपको 5.5 इंच तक का ब्रॉड रखना है। 41 से 43 6 इंच का ब्रॉड रखना है। तो एक एक सूत का भी फर्क आ जाता है, 3 में 1 कम 6 कहलाता है, डबल खोलने के बाद आपका ये आ जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों, 44 से 54 साइज तक मैं ज़्यादातर जो है 6 इंच ही रखता हूँ, बाकी आप यहाँ पे 50 के प्लस जाने के बाद 6.5 इंच भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आप एक छोटा सा कमेंट और कर दें कि हमें इस चीज़ की टिप चाहिए, तो मैं इसके ऊपर बहुत ही जल्द वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।